भारत और चीन के बीच 72 दिनों तक डोकलाम को लेकर तनाव रहा। चीन इस विवाद के शुरू होने के साथ ही भारत को युद्ध की धमकी दे रहा था। वहीं भारत पहले ही दिन से बातचीत द्वारा शांतिपूर्वक इस मामले का हल निकालने पर जोर दे रहा था। चीन ने पहले तो डोकलाम पर किसी भी तरह की बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। चीन ने भारत के सामने शर्त रखी थी कि डोकलाम से भारत के सैनिकों के पीछे हटने के बाद ही किसी भी तरह की कूटनीतिक वार्ता होगी। एक बार के लिए लग भी रहा था कि चीन शायद अपना ये रुख ना बदले, लेकिन भारत ने डोकलाम को लेकर जो रवैया दिखाया उसने चीन को कदम पीछे हटाने से मजबूर कर दिया। डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच बातचीत की शुरुआत ब्रिक्स देशों के एनएसए की मीटिंग से शुरू हुई। इस मीटिंग में अजीत डोवाल की मुलाकात चीनी एनएसए से हुई थी। दोनों की बात फोन पर होती ही, लेकिन भारत को जो सबसे बड़ा फायदा मिला वो था ब्रिक्स देशों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मेलन में हिस्सा लेने जाना था, लेकिन डोकलाम को लेकर तय नहीं था कि मोदी चीन जाएंगे या नहीं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए डोकलाम विवाद के हल की शर्त रखी थी। चीन इस वक्त महाशक्ति बनने के सपने देख रहा है। ऐसे में चीन भारत जैसे ताकतवर देश से युद्ध करने का खतरा उठाएगा, इसकी संभावना कम ही थी। लेकिन चीन द्वारा मिल रही लगातार धमकियों को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी। ऐसे में चीन के पास मात्र एक विकल्प था, इस मामले का शांतिपूर्वक समाधान। हालांकि चीनी मीडिया ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि भारत डोकलाम से पीछे हटा है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत को डोकलाम में चीन द्वारा बनाई जा रही सड़क से समस्या थी और अब ये सड़क नहीं बनेगी। यानी डोकलाम में कूटनीतिक जीत भारत को मिली है और भारत ने जिस तरह से इस विवाद पर व्यवहार किया है वो भारत के बड़े हुए आत्मविश्वास को दिखाता है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।